हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर कि हम अगले ट्रेडिंग डे में कौन से लेवल के ऊपर बाय या सेल करके जा सकते हैं। इससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट डेली के डेली देखने को मिलते रहते हैं। जैसे कि आज हमने 3 कॉल प्रोवाइड कराए हुए थे। मार्केट ओपन होने से पहले ही देखिए 8:14 में हमने इसको अपडेट कर दिया था तीनों कॉल को, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ऐड हो सकते हैं। चलिए इनका एक बार हम रीटेस्टिंग कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स आए हमारे इन तीनों कॉल्स के ऊपर। तो पहला कॉल था, आप देख सकते हैं, दिसमान कार्बो एमसिक लिमिटेड का हमने बोला था 233 रुपए के ऊपर निकलता है तो इसको बाई करके जाएंगे। हम लाइव मार्केट के अंदर चेक करते हैं, ये अपना स्टॉक है, इसको हमने बोला था 233 रुपए के ऊपर जाएगा तो हम इसको बाय करके जा सकते हैं। और ये 233 रुपए के ऊपर गया लेकिन हमको स्टॉप लॉस इसमें देखने को मिला आज। अगला स्टॉक था दोस्तों हमारे पास अंबुजा सीमेंट का, इसको हमने बोला था 388.50 रुपए के प्राइस के ऊपर ये निकालता है तो बिल्कुल इसको हम बाय करके जा सकते हैं। लाइव मार्केट के अंदर आज क्या हुआ उसको हम देखेंगे। अंबुजा सीमेंट देखिए दोस्तों, अंबुजा सीमेंट का रिटर्न आप देख के चौंक जाएंगे। आज का इंट्राडे के लिए इस कॉल को हमने निकाल के रखा था तो 5% का टारगेट इसने ऑलरेडी आज हमारा अचीव कर दिया। हमारे की जो स्ट्रेटजी है या जो कॉल प्रोवाइड करा रहे हैं इसमें हम 1% का स्टॉप लॉस रखना है और 5% का टारगेट रखना है। हमारे पास 3 स्टॉक्स रहेंगे जो ब्रेकआउट के मूड में हो या ब्रेकआउट करके करने वाले हों, ऐसे स्टॉक्स रहेंगे। उनमें से कोई एक भी अगर चलता है तो हमें प्रॉफिट में रहना पड़ेगा, मतलब 2% का हम लॉस करेंगे। 2 अगर स्टॉप लॉस पड़ते हैं तो और एक प्रॉफिट मिल जाता है, 5% का टारगेट डन करता है तो हमको 3% का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो हम इसमें इंट्राडे के ऊपर 1% का स्टॉप लॉस के साथ में और 5% के टारगेट के साथ में हम वर्क करेंगे। जिस दिन 2 स्टॉक हमारे सही हो गए उस दिन हम बहुत अच्छे मुनाफे में रहेंगे, सीधे 9% का मुनाफा देखने को हमें मिलेगा। तो इस तरीके से मैं कॉल प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये आज हमारा 5% का टारगेट ऑलरेडी अचीव कर दिया और प्रॉपर हमें एंट्री पॉइंट भी देखने को इसमें मिलता। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला स्टॉक था वो है डाबर इंडिया लिमिटेड का, इसने भी आज हमको स्टॉप लॉस दिखाया है। कोई बात नहीं, चलता है, कभी स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस नहीं होगा तो हम ट्रेड को भूल जाएंगे, ट्रेंड हमारा चेंज हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस होना भी जरूरी होता है। तो ये भी आज स्टॉप लॉस है 1% का। तो इस तरीके से हमारे 3 स्टॉक्स दिए गए थे जिसमें से 2 स्टॉक एसएल करे लेकिन 1 स्टॉक 5% का रिटर्न दिया, तो हमें नेट जो प्रॉफिट हुआ 2% को हम माइनस करेंगे 2 स्टॉक्स में तो हमको जो प्रॉफिट देखने को मिला हुआ नेट 3% का प्रॉफिट हमें देखने को मिला आज के दिन में। अब हम देखेंगे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर कि अगले ट्रेडिंग में हम क्या कर सकते हैं। मैंने पिछले जो वीडियोस बनाया था उसमें बोला था क्लियर कि यही इसके लिए ये सपोर्ट का काम करेगा और यह रिजेक्शन पॉइंट हो सकता है। कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद 61% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यह कंप्लीट करते हुए यहाँ पे दिखाया हमको। मैं वापस यहाँ पे फिबोनाची लगा के दिखा देता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोस्तों इस लो से टॉप में हमने इस तरीके से मिलाया, तो ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, रिट्रेसमेंट पॉइंट था, वह ओनली 61% का रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है तो अब यह कंटिन्यू अप ट्रेंड में हो सकता है बिल्कुल। तो इसीलिए हमने अब बाय साइड के लिए लेवल्स निकाल के रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये रहा हमारा बाई साइड का लेवल दोस्तों, हम बाई करके जा सकते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में 7,270 रुपए के ऊपर। स्टॉप लॉस हम 50 पॉइंट नीचे का रख रहे हैं और टारगेट हम 50 पॉइंट ऊपर और सेकेंड टारगेट 50 पॉइंट और ऊपर, मतलब 1:2 के रेशियो में हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस रहने वाला है इस मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के जो लेवल्स हैं उसके ऊपर। तो यहाँ से अब इसको रिजेक्शन होना बहुत जरूरी है या यहाँ से अभी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। जो रिजेक्शन पॉइंट था वह कंप्लीट हो चुका है इसका, अब यहाँ से यहाँ तक 61% का इसके बाद ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिला
कल के दिन पे ये कैंडल आज के हाई के ऊपर ये निकलता है यहाँ पे, तो एक टारगेट देखने को मिलेगा ऊपर के लेवल में जो 1.5 से 2% तक का हो सकता है मूवमेंट। तो इस पॉइंट को आप नोट आउट रखेंगे। हम सेल इसमें अभी आप नहीं सोच रहे हैं दोस्तों, सेल कब करेंगे जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाए, एकाद कैंडल क्लोज मिल जाए। मैंने बोला था कि ये सपोर्ट लाइन है और इसी आसपास से यह सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा बोला था कि अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो बिल्कुल साफ फॉलिंग देखने को मिलेगा, जो कि हुआ नहीं। तो हम वेट करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर रुकने के बाद फिर से आसपास गिरे ऐसा, तो फिर हम हमारा ट्रेंड डाउन हो सकता है। लेकिन अभी करंट में जो ट्रेंड दिख रहा है दोस्तों वह ऊपर का है, क्योंकि आज के हाई के ऊपर निकलता है। आज का जो हाई है 7,265 रुपये, इसलिए मैंने 5 पॉइंट ऊपर ऑफर रेट कर दिया है। तो 7,270 रुपये के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग करके जाएंगे, ये हमारा लेवल रहेगा दोस्तों। ध्यान रहे आप कौन सी कंडीशन ट्रेड नहीं करेंगे, काफी ज्यादा गैप अप हो जाता है। मान लीजिए 7,290 या 300 के अराउंड कहीं पे ओपन हो जाता है तो फिर हमारे पास बचेगा ही क्या, और ऊपर होने के बाद एक थोड़ा सा रिजेक्शन हो सकता है गैप अप होने के बाद, तो यहाँ पे भी खतरा रहता है। तो इन सभी पॉइंट को आप अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गैप अप हो जाए तो अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग। बाकी पिछले काफी दिनों से मैंने कंटिन्यू बताते हुए आया कि यह डाउन ट्रेंड है और यहाँ तक आ सकता है, इसमें हमने खूब अच्छा पैसा बनाया है। इस दिन तो बहुत अच्छा पैसा हमें देखने को मिला मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर बनते हुए, क्योंकि ये रेंज कन्फर्म था कि नीचे आया है, आने के बाद लेवल भी मैंने यहाँ प्रोवाइड करा दिया था स्पष्ट, और ये ब्रेकडाउन मिला तो बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिला इसके ऊपर हमें। तो कल के लिए ये लेवल है दोस्तों, आप नोट आउट रख सकते हैं। बाकी मेरा जो वीडियो है वो ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए होता है, आप जो भी करते हैं वे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। अगर ट्रेड लेते हैं मेरे वीडियो वॉच करके, तब आपके लॉस या प्रॉफिट में हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहने वाला है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आप अपना एनालिसिस या फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये एरिया रहेगा 7,400 के अराउंड का ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है ट्रेंड लाइन का, करेक्ट। तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर से बोलना चाहूंगा, टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।